आज उत्साह कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी हुई है, इस कविता के मैं आपको प्रश्न उत्तर जो है इनकी व्याख्या करके समझाऊंगी। तो आप देखिए अंत तक, इसमें जो कठिन शब्द आएंगे मैं उनके अर्थ भी आपको बताती जाऊंगी, जिससे सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों कहता है ऐसा? उत्तर आएगा, निराला विद्रोही कवि हैं। विद्रोही यहाँ पर तात्पर्य है विद्रोह करने वाले या बागी कवि हैं, वे समाज में क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं, यानी समाज को बदलना चाहते थे। वे क्रांति चेतना का आह्वान करने में विश्वास रखते थे, यानी वह चाहते थे कि लोग जाग जाएं, जाग जाएं, चेतना का विश्वास करते थे जो ओज और जोश पर निर्भर करती थी, यानी कि वह चाहते थे कि सभी व्यक्तियों में ओज हो और जोश हो। ओज और जोश के लिए कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है, गरजना यानी तेज आवाज़ के साथ, यानी क्रांतिकारी जो उनके विचार थे वो इस कविता में आप साफ देख सकते हो, स्पष्ट देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, दूसरा प्रश्न आता है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह एक आह्वान गीत है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आह्वान गीत है, यानी किसी को बुलाया गया है, आह्वान किया गया है, जिसमें कवि ने उत्साहपूर्ण ढंग से अपने प्रगतिवादी स्वर को प्रकट किया है। वह बादलों से गरज गरज कर सारे संसार को नया जीवन प्रदान करने की प्रेरणा देता है, यानी कि बादलों को कह रहा है कि हमारे संसार को नया जीवन दो। जिनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, यानी जिसमें बिजली होती है, वज्रपात यानी बिजली गिरना, जिस बादल में इतनी शक्ति है कि उसकी बिजली जो है वह कड़कती है तो बहुत शक्तिशाली आपको दिखेगा, वह संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। बादल में इतनी शक्ति है कि हमारे संसार को नया जीवन दे सकता है, इसलिए कवि ने बादलों के विशेष गुण के आधार पर इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। ये उत्साह शीर्षक क्यों रखा आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो यहाँ देखो, कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, यानी कि जो लोग भी कृषि के लिए बादलों का इंतजार करते हैं, वर्षा का इंतजार करते हैं या उसका वेट करते हैं कि कब बारिश आएगी, तो उनके लिए भी बादल ललित कल्पना यानी अच्छी कल्पना बनते हैं, सुंदर कल्पना, भाई बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, अच्छी फसल होगी तो इनकम अच्छी होगी। तो यहाँ पर पीड़ित लोगों के लिए आशा है, उनकी आकांक्षा को पूरा करेगा, इच्छा को पूरा करेगा, तो दूसरी तरफ वह नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यानी कि जब बिजली गरजती है तो कुछ नुकसान भी होता है, यानी एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। तो बादलों के गरजने की दो चीज़ यहाँ पर बताई हैं, बादल को दो अर्थों में प्रयोग में यहाँ पर कवि ने लिया है। प्रश्न आ जाता है बच्चों, शब्दों का ऐसा प्रयोग कीजिए जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। नाद सौंदर्य कहलाता है, आपको पता है कि नाद सौंदर्य क्या कहलाता है? नाद सौंदर्य किसे कहते हैं? ध्वनि की वजह से जो भाव या दृश्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी हम बात करेंगे कि इस कविता में इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य है? तो देखो यहाँ, घेर घेर घोर गगन, इसमें भी ध्वनि का प्रयोग किया गया है। धारा धर ओ, यहाँ पर घय की आवृत्ति से ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा किया है और यहाँ पर धय की। ललित ललित में भी काले घुंघराले,
विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, यहाँ पर भी ध्वनि का प्रयोग है। विकल विकल, यहाँ पर भी दो बार एक ही शब्द का प्रयोग करने से यहाँ पर जो है नाद सौंदर्य यानी ध्वनि की वजह से जो सौंदर्य आया है कविता में, सुंदरता आ गई है, वह उसका प्रयोग किया गया है। तो आप ये सभी प्रश्न नोट कर लीजिए अपनी फेयर नोटबुक में, आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता है कि आपको क्लासेस अटेंड करने में दिक्कत आए, और अगर आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दोगे तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और फटाफट से सभी क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये वाली कविता करेंगे, अट नहीं रही है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसे देख लीजिएगा, ये भी मैं अपलोड करूँगी। एंड आपने वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट्स को शेयर भी कर देना, साथ ही लाइक करें या ना करें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो अच्छा लगा है या बुरा लगा है। अच्छा लगा है तो आपको अच्छा क्यों लगा, बुरा लगा है तो भी आप बता देना कि बुरा क्यों लगा और आप इसमें क्या सुधार चाहते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।